हिंदू कैलेंडर में एक महीने को 30 दिनों में बांटा गया है। इस 30 दिनों को दो दो पक्षों में बांटा गया है, जिसमें 15 दिन के एक पक्ष को शुक्ल पक्ष और बाकी बचे 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा की कलाओं के ज्यादा और कम होने को ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच वाले हिस्से को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है उसके अगले दिन से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, जो अमावस्या तिथि के आने तक 15 दिनों तक रहती है। जब भी कृष्ण पक्ष होता है तो उस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा की घटती हुई कलाएं भी होती हैं। पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे चंद्रमा घटता जाता है, यानी चंद्रमा का प्रकाश कमजोर हो जाता है। इस कारण से कृष्ण पक्ष को उतना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद 15 दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के अगले ही दिन से चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और अंधेरी रात चांद की रोशनी में चमकने लगती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत बड़ा और रोशनी से भरा हुआ मालूम होता है, इसलिए कोई भी शुभ काम करने के लिए इस पक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अक्टूबर के महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कब से कब तक रहेगा। 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार से अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ अश्विन माह का आरंभ हो गया है। 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और इसके अगले दिन 3 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय से अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। मोटे तौर पे जाने तो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अश्विन माह का कृष्ण पक्ष रहेगा और 3 अक्टूबर को सूर्योदय से 17 अक्टूबर तक अश्विन माह का शुक्ल पक्ष रहेगा।